आज मैं लेने आया हूँ सिंचन के लिए गाड़ी, क्योंकि काफी टाइम से कह रहा है कि मुझे एक गाड़ी चाहिए। आई थिंक ये ब्लैक कलर वाली गाड़ी बहुत ही बढ़िया लग रही है। अरे हेलो सर, ये वाली गाड़ी मैंने बाय कर लिया है सिमोन से 2 करोड़ की। अब ये गाड़ी मेरी हो चुकी है। नहीं, ये गाड़ी मैं ही खरीद कर जाऊंगा, वो भी 3 करोड़ की। सिमोन को मैं पैसे दे देता हूँ। सिमोन बता, तुझको कितने पैसे चाहिए? ये वाली गाड़ी तो मैं ही खरीद कर जाऊंगा। अरे एक बात कह तो दिया, ये वाली गाड़ी मैं बेचने वाला नहीं हूँ, क्योंकि 2 करोड़ की मैंने ले लिया ये वाली गाड़ी। अरे एक बार कह तो दिया, ये वाली गाड़ी मुझे चाहिए। इसके लिए तुझे मारना भी पड़ा ना, मारूंगा। ये ले सिक्योरिटी गार्ड, तू भी चल। अरे फ्रैंकलिन क्या कर दिया यार, इसको नहीं मारना था, ये बहुत बड़ा गुंडा है। अगर इसने तुझे ना पकड़ लिया ना तो बहुत ही मारेगा। चल 2 करोड़ निकाल और ये वाली गाड़ी ले और यहाँ से चलता बन। मैं ऐसा करता हूँ, इसको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। किधर भी लेकर जा, ये वाली गाड़ी तो अब मेरी हो चुकी है, ब्लैक कलर की फरारी कार। फटाफट लेकर चलता हूँ घर। वेट, ये कौन लोग हैं जिन्होंने मेरे घर पर कब्जा कर रखा है? यार इतनी सारी सिक्योरिटी, एक मिनट इन लोगों से पूछना पड़ेगा। यार ये लोग कौन है और इन लोगों ने मेरे घर पर कब्जा क्यों किया है? आई थिंक ये कुछ बोल भी नहीं रहा, मुझे अंदर जाना चाहिए। कंफर्म अंदर जाकर पूछना पड़ेगा कौन है अंदर। ओके लेट्स गो गो, यहाँ पर चौप भी नहीं है। और ये तो वही है जिसको मैंने गाड़ी पर मारा था, यानी कि ब्लैक कलर की फरारी कार खरीदना आया था उसी टाइम इसको मारा था। सिंचन पिंचन भाई, क्या कर दिया यार तुमने इसका? देखो यार, कब से हमें मारी जा रहा है। पहले तो बहुत ही मारा, बहुत ही पीटा इसने, उसके बाद यार हमें आग पर लटा दिया। अब तो बहुत गर्मी हो रही है भाई, कुछ भी करो यार, हमें बाहर निकालो। अरे हाँ हाँ कुछ करता हूँ यार, क्या करूँ यार, इससे कैसे बात करूँ? इसको तो मैं मार कर आया था। अबे कल भी यार तूने कुछ किया होगा ना, तभी ये आया गैंगस्टर। देखो हमें तो आग पर लटका कर रखा हुआ है इसने। मैं तो ऊपर बैठा हुआ हूँ, लेकिन सिंचन पिंचन की हालत बहुत ही खराब है। कलवे कुछ कर यार, इसको मना ले जो तूने गड़बड़ कर रखी है ना। हाँ जो तू ठीक कह रहा है यार, ये फैगरी भैया कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं, उसके बाद हमें ही फंसना पड़ता है। देखो यार, हमें तो लटका दिया ना फैगरी भैया, मुझे तो बहुत ही गर्मी लग रही है। ऐसा करो ना, एसी को ऑन करो ना। अरे फ्रैंकलिन तुम अपने आप को बहुत बड़ा डॉन समझते हो ना, इसलिए मैं तेरे घर पर आया हूँ। तूने ना मुझे बहुत ही मारा था, बहुत ही पटक पटक का मारा था। वो ना सर भूल हो गई थी, मुझे पता नहीं था कि तुम इतने बड़े डॉन होगे और इसने मेरे घर पर कब्जा भी कर लिया। सर मुझे छोड़ दो, अहमदाबाद कभी नहीं करूंगा, किसी के साथ भी फाइट नहीं करूंगा। अरे ठीक है फ्रैंकलिन, तुम्हें ना एक चांस देता हूँ, अगर तुम उसमें कामयाब हो गए तुम्हारे सिंचन पिंचन को छोड़ दूंगा। तुमने लॉस सैंटोस के इस पुलिस स्टेशन में जाना है और वहां से ये वाला टैंक चोरी करके लाना है। अगर तुम इसमें कामयाब हो गए तो मैं तुम्हारे सिंचन पिंचन को छोड़ दूंगा। अरे क्या यार, पुलिस स्टेशन से टैंक चोरी करना, ये तो काफी मुश्किल है यार, पुलिस वाले बहुत ही मारेंगे। अब क्या करूं यार, जाना तो पड़ेगा, सिंचन पिंचन और चौप को बचाना है तो मुझे ये वाला काम करना ही होगा। चलो गाइस फटाफट मुझे यहाँ से चलना है, सीधा जाना है लॉस सैंटोस के सबसे बड़े वाले पुलिस स्टेशन से, ये वाला टैंक चोरी करना है। यार क्या करूं, जाना तो पड़ेगा और वो वाला टैंक भी चोरी करना है। अगर पुलिस के 5 स्टार लगे तो क्या करूंगा यार, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। पहले तो यार इस गाड़ी को अंदर खड़ी करता हूँ, ये वाली गाड़ी काफी महंगी है यार, 2 करोड़ की लेकर आया हूँ। ऐसा ना हो यार पुलिस स्टेशन के सामने छोड़कर आ जाऊं, इसलिए टैंक चोरी करना है मुझे ना, और गाड़ी चाहिए, ये वाली गाड़ी लेकर चलता हूँ। उतर जा, नीचे उतर, जल्दी से उतर जा, मुझे ना टैंक चोरी करना है। अगर टैंक यहाँ से चला गया तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी सिंचर पिंचर को बचाना। लेट्स गो गो, जल्दी से जाकर वो टैंक चोरी करके लाता हूँ, ये लास्ट ऑप्शन है सिंचर पिंचर को बचाना। लेट्स गो, पहुंच गया यार पुलिस स्टेशन। अपना किसी जगह गाड़ी को रोकता हूं और उसके बाद टैंकर को देखता हूं कहां पर है। गराज वाली साइड पर पिक्चर में दिखा रहा था, चलो इस साइड पर अपनी गाड़ी को रोकता हूँ। और ऐसा लगना चाहिए यार मैं चोरी करने नहीं आया, ऐसे घूमने फिरने आया हूँ पुलिस स्टेशन। चलो चलो आराम से चलता हूँ, ये रहा पुलिस वाला, आई थिंक इसको भी मारना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं नीचे की साइड जा पाऊंगा। नीचे देखो इतनी सारी पुलिस, क्या करूंगा यार नीचे, अगर पुलिस वालों ने मेरा बैंड बजा दिया तो मैं क्या करूंगा यार। पहले तो यार इस पुलिस वाला का काम करना पड़ेगा, इसको पीछे जाकर इसके कमर पर दे मारता हूँ और इसके बाद ही पुलिस के 3 स्टार लग गए। अरे नहीं, बच के आराम से इसको घो घो कर निकालिए मैंने। और ये रहा पुलिस वाला, भाई ऊपर चढ़ने की ट्राई कर रहा था, लेकिन नहीं भाई नीचे से खड़े होकर फाइट करते हैं, लेकिन ऊपर चढ़ने की ट्राई कर रहे हैं। ऊपर जैसे आएंगे ना मैं इनको फट्टा सा शूट मारूंगा और नीचे चलकर टैंक में, एक बार टैंक में बैठ गया ना
तो ध्यान यार, पुलिस वालों की बैंड बजा दूंगा, क्योंकि वो टैंक जो है ना बुलेट प्रूफ है और उसी के साथ बहुत ही पावरफुल है, जिससे हम पुलिस वालों की गाड़ियों को डिस्ट्रॉय कर देंगे और उसी के साथ सेफली हम लॉस सैंटोस में जा सकते हैं, किसी भी जगह छुप सकता हूँ। लेकिन फिलहाल अपने आप को सेफ रखना है और उसके बाद मुझे जाना है सीधा टैंक के पास। लेट्स गो, फटाफट टैंक के पास चलते हैं। अरे नहीं यार, जंप लगा दिया यार, मुझे ना सीढ़ियों के जरिए आना था। बट फटाफट टैंक में बैठते हैं और उसके बाद पुलिस वालों के साथ करते हैं फाइट। अब आ जाओ भाई, आप जैसे तैसे आ जाओ, आप तो पुलिस वालों की गाड़ियां, हेलीकॉप्टर, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूंगा, क्योंकि अब तो मेरे पास टैंक आ चुका है और टैंक करके जरिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पहले तो यार इस हेलीकॉप्टर को गिराने की कोशिश करता हूँ। ये पुलिस वाला भी गया, अब हेलीकॉप्टर की तरह है यार। उस वाले हेलीकॉप्टर को तो मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया, और उस वाले यानी के जो काफी नजदीक है ना, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, काफी ऊंचा है ना, इसलिए ओके लेट्स गो, यहाँ से निकलना है, क्योंकि अगर यहाँ पर रुक रहा तो काफी दिक्कत हो जाएगी। पुलिस के 5 स्टार लगे रहेंगे और देन पुलिस वालों से बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, इसलिए सेफली पहले तो मुझे यहाँ से निकलना है। लेकिन टैंकर की स्पीड देखो यार, मैक्सिमम बहुत ही ज्यादा है। देखो थोड़ी सी रेस देता हूँ और 200 क्रॉस कर जाती है। ऐसे यार इस तरह के टैंकर में इतनी स्पीड होनी नहीं चाहिए, देखो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और इसको चलाना भी बहुत ही मुश्किल है। बट जो इसको चलाता है ना पुलिस वाले, उनके लिए तो इजी हो जाता है, वो तो आए दिन चलाते रहते हैं इस तरह के टैंकर। बट मैं तो फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ, इसलिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है और इसको कंट्रोल भी काफ़ी मुश्किल हो रहा है। बट आराम से लेकर चलता हूँ। पहले तो यार पुलिस वाले देखो नीचे उतर कर मेरे से फाइट करना चाहते हैं, बट उनको भी पता है कि अब फाइट करने का कोई भी फायदा नहीं है, ये वाला टैंक बहुत ही हैवी है और इस तरह के टैंकर से पुलिस वाले ही बनाते हैं मिलिट्री के साथ मिलकर। बट इस बार इन्हीं लोगों के साथ प्रैंक हो चुका है। लेकिन ये वाला टैंक सीधा यानी के सेफली लेकर जा रहा है मुझे डॉन के पास, और उसको ये वाला टैंक देना है, देन सिंचन पिंचन को लूंगा और यहाँ से चलता बनूंगा। बट यार चलता कहाँ बनूंगा यार, वो तो मेरे घर पर ही है ना, उनको रिहा करवाऊंगा, उसको ना आग पर रखा हुआ है यार सिंचर पिंचर को। बट आराम से, अरे गाड़ियां यार, पुलिस वालों की गाड़ियां सीधा आकर ठोक देती हैं, बट उनको भी पता है अब ठोकने का काम बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यार ये वाला टैंक बहुत ही हैवी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और ना इसको आग लग सकती है और ना इसके टायर है। अगर टायर होते तो ये लोग पंचर कर देते और सेफली यार किसी ना किसी जगह पर मैं रुक जाता, लेकिन अब ना इसके टायर है ना इसके टायर पंचर होते। बट अपना सेफली कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी यार ये 5 स्टार पुलिस से बचने के लिए, तो वो वाली जगह है खुफिया घर, मुझे ना उसी साइड पर जाना है और अपने आप को छुपा लेना है। देन जैसे तैसे करके मुझे वहां से कुछ अर्से के बाद ही निकलना है। फाइनली गाइस पहुंच गए हम लोग घर, और ये वाला टैंक को इधर ही किसी जगह रोक देते हैं। अब चलते हैं अंदर, सिंचन पिंचन को लेते हैं यानी कि उन दोनों को नीचे उतारते हैं। यार वो आग पर बिठा कर रखा हुआ है इस गैंगस्टर ने, अब कोई और काम ना बता दे, अगर और काम इसने बता दिया ना तो इधर ही भूंढ कर रख दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड में।